अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आप डेली खबर देखो हो, आप तरह तरह की खबरें देखते हो, लेकिन आजकल जो हरियाणा में चल रहा है उसने देखकर आपकी और हमारी रूह कांप जाव है। काम करते ना डर हमने भी लग गया है, क्योंकि सिचुएशन स्थिति ऐसी हो रही है, गोलियां चल रहे हैं सीधी, बात कोई की अद नहीं कर रहा, डायरेक्ट गोली चल रहे हैं। ऐसी एक स्थिति घट गई भैनी चंद्रपाल में, देसी भाषा में कहवा दो बड़े बहन में, रोहतक जिले का मैं मखंड का गांव है भैनी चंद्रपाल। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं कतीक क्राइम स्पॉट पर खड़ा हूं, यहां एक सगे भाई ने अपने सगे भाई को, छोटे भाई को गोली मार दी, साथ में मारने वाला जो है उसके बेटे भी साथ में थे और अन्य भी हो सके हैं। घर में घुसकर हत्या करी गई, सात सात घर हैं और क्राइम जिस तरीके से हुआ वो इस जगह पे, ये पीछे जो मकान दिखने लग रहा है ऊंचा, जो मरा है उसका है भाई का और उसके छोटे बड़े भाई का, यो घर है, यो जो नीचा है जिसने मारे हैं सगे भाई, बराबर बराबर मगर हैं, ध्यान से देख लियो। क्यों होया ऐसा, के मामला था, और भाई ने भाई मारा है तो मामला कोई छोटा भी नहीं होना चाहिए भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम आपका भाई? सचिन नाम है मेरा। सचिन, आप जो मरिया है उनके क्या लगो? छोटा बेटा हूँ उसका। छोटा बेटा, तो काम आप थे नहीं उस दिन? अरे ना, मैं ड्यूटी पे था जी उस दिन। क्या काम करते हो आप? एयरफोर्स में हूँ। एयरफोर्स में। और आपका एक बड़ा भाई है। हाँ, वो बिजली का काम कर रहा है रोहतक में। ठीक है। क्या झगड़ा था आपके ताऊ के साथ, आपका ऐसा जो घरा कर मार दिया? दो साल पहले घर बनाया था तो इसकी भी दीवार पे था एक। अच्छा। घर इसी की दीवार पे था के बोला मेरी है ये है। तो जब पटवारी ने मापी, मशीन ते भी मापी दी, तो मारी मकान तीन चार गज मारी फालतू दी उस साइड इस साइड इस मकान का ना लकड़ी थारी। हाँ, फिर भी घर क्या ना छोड़ दी। मेरा बाबू ने बोला तो छोड़ क्यों, खाम खा रोला रोला बताया। गांव में चार पांच बार इकट्ठा होया, चार पांच बार पंचायत भी हुई है। राजीनामे कदे सगे भाई थे ये? कती सगे तेरे ताऊ? सगे भाई थे। अच्छा। गांव के हैं दो तीन जिन्हें बीच में अगवाड़न का काम करया। मामला आज शाम न बुझ गया तो रहते उनकी मीटिंग बैठी है दो तीन की, उन्हें फिर भड़काया है, फिर दोबारा केस चालू होया है, फिर तड़के फिर लड़ाई माची है, फिर दोबारा काम ने आया के फिर शांत कराया, फिर मान गए, फिर शाह ने फिर भड़का दी। ये भड़काई में उसमें इतना दम नहीं था कि वो गोली मार दे कि मैं कर दे, ये सारी उसकी प्रोवाइड कराई जा रही है सारी चीज। पहले भी कोई क्राइम केस थे उनके ऊपर, क्रिमिनल थे वो पहले? उसने अपनी सारे पहले तो एक दो महीने छोरी मारी थी। अच्छा, दो महीने की लड़की? दो महीने लड़की थी, जाडा मगती बाहर छोड़ दी, कड़ा की ठंड थी। अच्छा। और राम में बैठ गया, कुर्सी गाल गया, घंटा शीले गए। वो छोरी की माती ने बोला जा तू बार गई, मेरी ताई लग थी जो पहले थी, बोली बोला जा तू बार गई तन्ना मारू। अच्छा। वो छोरी मारी, उसका पाछा फिर मेरी ताई मारी, उसका पाछा दो छोरी मारी। अच्छा। चार कुन पहले कर चुका वो, कुछ नहीं बिगड़ा। गाम राम ले कह दे भाई यो जिसका जैके मैं बढ़ गया तो बेचारे बड़का के खाना जाना ना होगा। दोबारा शादी हो रही थी उसकी? दो बार शादी हुई थी, पहले की छूट ली थी, एक छोरी थी वह मरा बडला था उन्हें बही थी, वह फिर उसका नाम पे ही यो काम। अच्छा, आप मुझे यहाँ आपके घर के बैक साइड क्यों लेके आए हो? बैक साइड हाड़ था उसका जी, जान आन का रास्ता था, आन जान का ये भी हो, कई दिन पहले हाड़ था, फरार हो गया था। इसके ऊपर जो केस आया, एक जमीन का विवाद हुआ था उन्हें, वो भी आप लोगों को जमीन का विवाद भी किया था कि बस खाली जमीन मापन जाना था। अब भाई देख लो किसका केस, सामने इसकी बताई थी समझे ना, नोबेला मैं तो आदमी मार दूंगा नो कर दूंगा, ये वही बात है कहेगी भाई भाई ने कौन मारा है, यह बात मान कर चले गए पटवारी ने लेकर गए थे। जाकर देखा तो अपने ट्रैक्टर में फाड़े पे अपने जेड़ी जाड़ी कसोले गंडा शिकुंड शिरगोज में चाकू लेकर जा रहा था, उड़े जाकर उन्होंने वारदात भी करी। उस टाइम पे एक आईओ था विनोद करके मैम थाना में, उसने घटिया काम कराया कि उसने जो मामले उसकी सबूत दिए कि जी ये चीज है, उन्होंने जड़ दिया मेरा ताऊ का बड़ा छोरा गए अनिल नाम है जिसकार मेरा बाबू का, मारा ऊपर चढ़ गया। अरे ये तो पुलिस में भी हुआ रखा, अगर किसी ने उठाऊंगे अरेस्ट करेंगे, एक दिन पहले नोटिस भेजना हुआ क्राइम उन्होंने कराया, पकड़े तुम? पकड़े पकड़े नहीं, जेल में गिर दिए दो दिन खातर। अच्छा। बिना कोई नोटिस के, बिना किमें एप्लीकेशन का, बिना किमें कानूनी कार्रवाई का, यो सौदा था। अच्छा, अब क्राइम हुआ तो वो यहाँ से जाया करता? क्राइम हुआ यो तो 5 नवंबर की बात है, माड़े तो छुट्टी था जब गया था, तो इतना मैं फिर घर के आने बता दिया बहनों करके अपना सामान समान लाद को चले गए आड़े थे।
नवंबर की गांव छोड़ गया, गांव छोड़ गया, चला गया कि सारा सामान लाद गए वो आड़ा लगाया था ढकड़ा मरी बुआ गए। अच्छा उस ताग का जो जड़ा भी गया तो कानून ने बेरा बाकी उन बेरा पकड़ा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया। उसका पाछा कई बार आया आड़े आड़े इसका घर में, वो सहमी का तो आया नहीं करता, सहमी का भी आया कई बार तो शुरू शुरू में वो उसका पैसा फिर नहीं पसला रास्ता बना लिया पटकाला पुटकाला में जाकर आड़े। तो भाई ये पीछे से बैक साइड से ये रास्ता बना रखा है, आप ध्यान से देखो, यो इस जिन्ना पर चढ़ा करता ये रास्ता था उसका। आ जाओ इस जिन्ना का ऊपर के चढ़कर है वो इस छत पर चढ़ जा रहा था। इस छत पर चढ़ने के बाद में ये मतलब इस साइड में ये झील है आ गई ऊंचा है मेरे ख्याल है छत आ गई है दो यो था नहीं बना दिया मट्टी गिर गिर के। अच्छा अच्छा बनाया ये प्लाट भी उन्होंने गाय है प्लाट भी इसका। अच्छा अच्छा आप आ गया हो भाई साहब। फिर यहाँ से वो इस प्लाट में आ जा रहा इस प्लाट में दे इसने गेट ला दिया कि किसी ने दिखे नहीं आड़ तो सीधा इसका पड़काला चालू हो जाए आड़। अच्छा यो यो पर तीन चार पाले जो है ट्रेन यो कवाड़ टेक्या उसने आड़ है यो कवाड़ टेक्या उसने इस कवाड़ की पेड़ी बनाई या पेड़ी बना दी उसकी इसको ऊपर का चढ़ा करता इसको ऊपर का चढ़ा रहा और अपना घर में घुस जा रहा ऊपर का। हाँ ऊपर का ठीक है अंदर आओ ये आड़े इसका पड़काला चालू हो जाए आड़ का सारा सारे कैमरे लग रहे भाई साहब ये आपने लगवा रखे हैं ये इसके खुद के कैमरे लाए हो रहे हैं और ये कैमरे अपने खुद की सेफ्टी नहीं यो पोजीशनिंग देखने खातर कर रहा था भाई कौन की जा रहा है किस टाइम अपनी साजिश रच सको। अच्छा अच्छा इसका और अन भी है कैमरा इसका आगे कान भी है। हां एक वो फ्रंट पर दिखन लग रहा गाड़ का है वो। हाँ। तो यो मकान है इसका इसका नाम क्या है इसका नाम नजमेर नाम है मेरू क्या रही ना मेरू और बच्चे जो साथ में देते बच्चे इसका बड़ा सोरा का नाम मोहित है छोटा का नाम रसूख है रसूख रसूख। गिरफ्तार कौन कौन है गिरफ्तार कोई नहीं हो रहा और पांच चार तारीख का मामला है चार तारीख की शाम ने मेरा बब्बू को गोली मारी। अच्छा इस घर में नहीं आया वो उस दिन चार तारीख ने इस घर में नहीं आया इसके ये ताले फिर पुलिस ने लगाए हैं भाई साहब अभी ये जो जिस दिन आड़ा था नवंबर की मैं बताऊं तो फरार हुआ था जब पाचा खुद अपने ताले तुड़े लगा खुद जा रहे आड़ते ठीक है आ जाओ भीतर देख लो गेट वेट तो खुल है बड़ा बैठा जो कदे आ रहा बीच बीच में। हाँ ये सही दो गेट गेट खुल रही है बराबर आला तुड़ी आला है उसमें रहा आ वो दादा चलो किसी ने दस नहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू बेटे तीनों आ रहे चलो कोई नहीं मामले भी क्या दिक्कत दे रहा पड़े रहेंगे जुकर से ठीक है वो मान के उस दिन जिस दिन वो क्राइम हुआ इस घर में होया इस घर में होया ये वो घर है जहां वो क्राइम हुआ उस दिन तो इस घर में उस दिन आप तो दोनों मतलब आप तो अपने एयरफोर्स में हो ड्यूटी पे थे छोटा भी रोहतक था बड़ा भाई रोहतक था आपसे बड़ा भी रोहतक था यहाँ दोनों आपकी मम्मी और आपके पापा दे पापा टीवी देख रहे थे कितने बजे की बात होंगी ये सात बजे के आसपास की बात है सात बजे लगभग शाम ने। हाँ। अच्छा सीधे घुसे घर में सीधे घुस इन्हें पहले आड़ा फील्डिंग भी लगाई है थोड़ी देर देखा भी है वो रन पर आंदे जाते देखे कोई नहीं आंदा ठीक है तो वो तो हमने तो तीन देखे बाकी एक दोस्त की सिक्योरिटी वाला कोई ना कोई तो होगा बाहर देखने वाला की कोई आना जा वे तीनों घुसे है दरवाजा खोल गए तो पहली गोली आड़ा मेरा बाबू का आड़ा मारी है जो डब्बा हाथ रहा आड़ा बाहर बैठा था ना भीतर था बाहर आया जब गेट खुले वह कौन आया है। अच्छा अच्छा तो नशीदी गोली मारी एक ओली साइड में एक सोली साइड में ये स्टार्टिंग में शूट करा किसने गोली मारी किसने ये जी उसके दोनों सोरे ने मारी है उस पर खुद पे गोली गली को नहीं उसकी गोली वो तीसरा निशाना था मेरी माँ वो जो तीसरा मारा था उस पर गोली गली को नहीं तो मेरा बाबू का गोली लाकर ली उस पर गली को नहीं तो उन्होंने आखिर में बट भी मारे हैं जो हथियार है उसका निचला ईशान बट क्या बट मारे सर में तो मेरी माँ ने सोची बेहूस हो गया बट बट मारे गोली का कौन बेरा लग गया गोली का खुड़का खुड़का सुने तो मेरी माँ ने रसोई में तो बाजी आई थी उसका पास है फिर मेरी माँ का भी मारे तीन चार बसर में। अच्छा वो गोली गली को नहीं फिर फरार हो गए फिर भाज गए फिर यो रास्ता था जड़ा आप चढ़ आए थे वो रास्ता उड़ा गए गाड़ में गए सीधे भाजे गए फरार हो गए फरार हो गए उसके बाद में कानूनी कार्रवाई तो बीच में दो दिन तो सिक्योरिटी भी हट गई थी पीसीआर आई थी शुरू शुरू वाला दिन उसका बाद में ना कोई पीसीआर आई ना कुछ था दो दिन तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी SHO दो गए मैंने बार बार गई थी फिर SHO ने उसका बाद में सिक्योरिटी भेजी। अब ये भाई दिखाना एक बार पीछे एक ये साथी है सिक्योरिटी गार्ड ये यहाँ तैनात है अकेला है यो ना ये दिन में एक रात ना दो हो जाए रात को दो हो जाए ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है बीच में बलराज कुंडू जी भी आए थे यहाँ पे अब पता नहीं उन्होंने फोन किया जो भी था उसके बाद कोई दिखा है कुछ लगा है कुछ भी उसका बाद में तो अभी तो कुछ मामला तो बताओ प्रोसेसिंग चलती रहती है प्रोसेसिंग उनमें से जो ये जो क्राइम कर रहे हैं इनमें तो कोई दोबारा कोई दिखा है ना दोबारा कोई नहीं दिखा धमकी या कोई किसी तरह से कुछ धमकी एक बार बड़े ताऊ के लड़के
बड़ा तो हुआ, उसके बड़े लड़के को फोन आया था मारने के बाद में, मरने के बाद में दो दिन बाद ही उसने बताया थी कि तेरे लड़के को किडनैप कर लिया, ऐसे ऐसे करके 50,000 रुपए भेज दे। तो उसने जब जांच पड़ताल करी, फोन करा तो पाया स्कूल में था। तो फिर उसकी जब पुलिस में रिपोर्ट की तो उन्होंने ये बात बोल के छोड़ा कि ये तो फ्रॉड गोल है, छोड़ो इसका केस से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आपके ही सगेताऊ के लड़के को कॉल आई, तेरा बेटा हमने स्कूल में बैठा लिया, 50,000 रुपए भेज दे। जब जाके देखा स्कूल में पाया बेटा और कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये भी उसका बाद धमकी हो, क्योंकि उसका बाप जो बड़ा था वो गवाह था, उसका बाद गवाही ते मुंह पीछा करनती या फिर पीछा हटनती या फिर डरानती कुछ भी साजिश उसको उनकी से बात हो जी। और वैसे हिसाब किताब लाया जावे तो इतना बड़ा जो क्राइम हुआ है, इतना बड़ा क्राइम करने का कोई मामला था नहीं, कोई मुद्दा नहीं था, भाई भैया रोला था, अगर ढंग से बैठ कर सुल जाते तो सुल जनता। हाँ सुल जनता, ये जी बीच में भड़कान वाले बीच में वो है साजिश है। अच्छा है कोई ऐसा, गांव के ही है? गांव के ही है, तो शक नहीं ले सकता। शक है, मैंने पुलिस थी भी बता रखी, सारे थी बता रखी है, सारा गांव ने भी बेरा उसका वो है, उन कैमरा में नाम नहीं ले सकता उसका, सब वो गांव का ही है, गांव का ही एक नहीं दो तीन जने, दो तीन घर है।